ये कहानी है मध्य प्रदेश के ईटा बेड़ी की। पहले यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में यादव समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन विगत कई वर्षों से बेड़ी वीरान है। अब यहाँ जाने में भी किसी की हिम्मत नहीं होती। माना जाता है कि यहाँ भूतों का साया है, जो गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। दरअसल ये बेड़ी खरगोन जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर छोटी कसरावत और कसरावत के बीच मौजूद है। गांव के लोगों का मानना है कि एक जमाने में इस बेड़ी पर यादव समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। यहां से धार जिले के मांडू में रानी रूपमती के महल सहित राज्य में घी और दूध देने पैदल और ऊंट से जाते थे। महिलाएं और पुरुष एक दिन में मांडू जाकर वापस लौट आते थे, लेकिन देखते ही देखते ये बेड़ी पूरी तरह वीरान हो गई। पहले यहाँ बड़ी बड़ी ईंटों से बने मकान थे। इन मकानों का मलबा आज भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसीलिए इसे ईटाई बेड़ी कहते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत सारा धन दबा हुआ है। इसी धन को निकालने के चक्कर में कई लोग यहाँ आए और अपनी जान गंवा बैठे। कसरावत के रहने वाले मनोज यादव ने बताया कि इस बेड़ी पर आज भी बड़े साइज की ईंटें देखी जा सकती है। बेड़ी के नीचे धन भी दबा हुआ है। हीरालाल पटेल ने बताया कि पहले ये बेड़ी गांव हुआ करती थी, फिर एक बीमारी आने के बाद गांव खाली हो गया। वे बताते हैं कि धनतेरस और 14 के दिन बेड़ी पर अपने आप दिए जलते हैं। कुछ ही साल पहले पाटीदार समाज के कुछ लोग भी धन निकालने के लिए यहां गए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति की जीप काट दी गई। गांव के विपिन पवार ने बताया कि पहले ये क्षेत्र मुगलों के अधीन था। मुगल इस बेड़ी पर कुछ संपत्ति रखकर गए हैं। कहते हैं कि बलि देने से उस धन को निकाला जा सकता है। छोटी कसरावत के ताज मोहम्मद ने बताया है कि बाहरी क्षेत्रों के कई लोग रात के समय धन निकालने यहाँ आते हैं, लेकिन बेड़ी पर कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर या तो व्यक्ति मर जाता है या डर के मारे भाग जाता है। आप जो पीछे लंबी सी जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये प्रसिद्ध ईटाई बेड़ी है। कसरावत का जो पुरातत्विक इतिहास आप देखें तो ये ईटाई बेड़ी के नाम से जाना जाती है, और मुगल काल में ऐसा कहते हैं कि यहाँ चारण लोग रहते थे, कौली समाज के लोग। आगे एक गाँव है गौला, तो वो लोग यहाँ पर पशुधन खेती बाड़ी करते थे, और चूँकि पशुधन के चलते उनके पास दूध दही की बहुत पर्याप्त मात्रा होती थी। यहाँ से दूध दही घी लेकर मालवा तक पैदल जाते थे। तो मालवा निमाड़ मालवा तक उन्होंने दूध दही घी की आपूर्ति करी है। और ऐसी किंवदंती कही जाती है कि इस प्रसिद्ध ईंटे पेड़ी पर एक समय सोने की ईंटें मिलती थी, लोगों कुछ लोगों मिली है, और उसके चक्कर में बहुत से लोग गए। और आप तो ऐसा बताते हैं कि जो भी ईंटें लेने गया आज तक वापस नहीं आए। कई साल बाद काल गिरा, वो बीमारी आने लग गई, फिर वो गांव खाली हो गया। वहाँ धन की पर्याप्त है। आज भी चौकीदार है, छोटी कसराव था, उसको पगार मिलती सरकार तरफ से। क्या और धनतेरस पे, क्या धनतेरस 14 पे वहाँ हमेशा दिए लगते हैं। आपको कभी किस्मत में हो तो आपको दिखे, किस्मत वाले को दिखते दिए वहाँ पर दिवाली पे। दिवाली है, कुछ ऐसे हादसे हुए हैं आपने देखे हैं वहाँ पर? बहुत सारा, बहुत एक हादसा हुआ, बहुत पुराना हुआ था। गए थे यहाँ से पाटीदार लोग और वो इसकी जीप निकाल दी थी। पहले मुगल कुछ संपत्ति वहाँ पे रख के गए थे, बलि देने से वो पैसा निकलता है, और बलि वो पैसा निकाला तो नहीं आज तक। वहाँ पे कांड हो चुके हैं, पर ये इम्पॉसिबल वाली चीज़ है कि वहाँ से पैसा नहीं निकल सकता। क्या घटना घटना ये है कि बच्चे को जैसे बलि देते हैं या वो जोड़ा मांगता है, तो ये चीज़ें सुनी हुई हैं, क्योंकि मैं भी यानी कि इतनी उम्र का इंसान नहीं हूँ, सुनी हुई चीज़ें हैं, और ये यानी कि सत्य बात है। वहाँ पे अभी भी धन है, निकालने की नियत से यदि जाता है और यदि वो कुछ गलत करता है तो वो वापस नहीं आता। लोग रात बिरात को लोग धन निकालने भी जाते थे, बहुत से लोग बाहर गाँव के आते थे, रात में जाते थे। क्या वहाँ ये तो सही माल माल तो बहुत होगा वहाँ पनीट बेड़ी पे। बताते हैं कि जैसे अगर कोई नियत से जाता निकालने के लिए वो लौट कर नहीं आ पाता है वहाँ से, वहाँ पर ऐसी है जो लोग, अरे मर जाते हैं लोग वहाँ। एक चक्कर बताया था कि एक पूरा की मुंडी कटेल पड़ी थी, क्या रात में गए होंगे कि भरभोग दी होगी, मुंडी कटेल पहले पड़ी थी वहाँ। क्या मानते हैं मतलब जैसे वहाँ पर इस तरह से निकालने दे पाते हैं तरह से? भाई वहाँ कहीं भी साया होगा, कोई धन निकालने जाते हैं लोग, कोई मर जाता है कोई भाग जाता है। आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग ने ईटाई बेड़ी को राज्य स्मारक घोषित किया है। बेड़ी पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, लिखा है कोई भी व्यक्ति इस बेड़ी को नुकसान पहुंचाता है, नष्ट करता है या किसी प्रकार से खतरे में डालता है, उसे 1 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना
देना पड़ेगा। संरक्षित सीमा क्षेत्र से 100 मीटर और इसके आगे 200 मीटर तक किसी प्रकार का खनन और नया निर्माण करने पर भी रोक लगी है। बेड़ी की रखवाली के लिए पुरातत्व विभाग ने छोटी कसरावल के व्यक्ति को यहाँ पर चौकीदारी के लिए भी नियुक्त किया है। लोकलैटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।